हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर्स जर्नी। और आज लास्ट ब्लॉग उड़ीसा का। आज मैं आ रही हूँ वापस, आज मैं नहीं आ रही हूँ बट मैं मायके से ससुराल आ रही हूँ वापस। और मैं रास्ते में थोड़ा सा शूट किया है क्योंकि आप लोगों को दिखाना है कि फोनी साइक्लोन ने हमारा एरिया को कितना अफेक्ट किया है या कितना नुकसान किया है। पहले मैं जो साइड दिखाया वो था खोर्धा का, और ये है अभी भुवनेश्वर में, आप देख सकते हो। रास्ते में मैं सारा रिलेटिव्स जो रहते हैं उन सब के घर भी होके आई हूँ। खोर्धा में मेरा एक सिस्टर इन लॉ है, उनका जो न्यू मैरिड है उनका था, तो उनके घर में गई थी। और भुवनेश्वर आई हूँ फादर इन लॉ के पास, मेरे छोटे पापा के पास। और आप देख सकते हो ये पेड़ वगैरह कितना टूट के गिरा है। ये सब दिखाने के लिए मैं रास्ते पर शूट करके आई। और ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, आप देखोगे तो आगे आगे चल के आपको दिखाऊंगी कितना नुकसान किया है फनी ने। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा पेड़ टूट गया है, कोई कोई आधे से टूटा है, कोई एकदम से उखड़ गया है। और जितने भी स्ट्रीट लाइट होते हैं ना, वो भी सारा पोल वगैरह उखड़ गया है नीचे से, और सारा तार, वो इलेक्ट्रिसिटी का तार, केबल्स वगैरह सब नीचे गिरा है। आप आगे आगे जाके बहुत कुछ देखोगे। मैं जहाँ पे थी, मीन्स में मेरे मायके में, वहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ है या इतना मैं नहीं देखा है, मैं जो एरिया में थी। बट ये जो चार एरिया है इसको फोनी ने एकदम से बर्बाद कर लिया है। यहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइट का तार सब कुछ नीचे गिरा है। और रास्ते भर में ये सब देख देख के मुझे इतना परेशानी, इतना घबराहट हो रहा था कि क्या हालत क्या है। मैं कभी ये सब देखा ही नहीं कभी। बहुत सारे साइक्लोन आया है उड़ीसा में बट मैं कुछ भी नहीं देखा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं खुद आँखों से देख रही हूँ। और जिस दिन हुआ, 2 तारीख से 4 तारीख को ये साइक्लोन आया था, मैं गांव में थी बट जैसे बोलो ना फील ही नहीं किया है इतना नुकसान होता है। मैं घर में चली गई थी और घर में इतना कुछ हुआ ही नहीं था, बस तूफान ही आया था और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जैसे मैं ससुराल मायका जाती हूँ तो जब भी मुझे ससुराल रिटर्न करना पड़ता है तो मैं सब रिलेटिव्स जो रहते हैं रास्ते में उन सब से मिल के आ जाती हूँ, क्योंकि और नहीं हो पाएगा मुझसे। और मैं चली जाऊँगी फिर से 1 साल के बाद मैं वापस आती हूँ, तो इसी वजह से सबको एक बार मिल के आ जाती हूँ। और ये मैं आपको भुवनेश्वर का दिखा रही हूँ। और थोड़े आगे जाके मैं मेरा गांव में एंट्री करूँगी। मेरा गांव का हालत तो पूछो ही मत, बहुत ही, आई थिंक मैं गांव में एंट्री कर लिया है। ये एरिया जो है ये मेरा गांव का है, मीन्स बालीपटना जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा घर है वो साइड का है। ये सारा नारियल का पेड़ है ना, वो सब टूट गया है, देखो। और सारा यहाँ पे मेरा गाँव का सारा स्ट्रीट लाइट भी टूट के नीचे गिरा है। ये केबल है ना, सब नीचे ऐसे गिरा है, बहुत सारा पोल भी नीचे गिरा है। ऐसे बोलो ना, जैसे मैं अंदर से कुछ तो हो रहा था, मैं घबरा रही थी, इतना सारा नुकसान, वो लोग कैसे, किस किस का घर ही टूट गया है। मेरा घर भी आधा अधूरा है, टूटा हुआ है, मैं आगे चल के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं देख देख के बस बोलो ना मैं रो रही थी, मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैं शूट करती रही और आप लोगों को दिखाती रही कि क्या क्या हुआ है। क्योंकि शादी के सिलसिले में मैं इतना बिजी थी कि मुझे ना न्यूज़ देखने के लिए टाइम था या कुछ भी, बस सुना हुआ था, बस सुन रही थी कि हाँ यहाँ पे पूरी भुवनेश्वर खोर्धा कटक
ये चारों एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। और ये तो मैं आपको खोरदा भुवनेश्वर दिखाया, पुरी का हालत तो पूछो ही मत। पुरी में तो बहुत तो कुछ हुआ है। और श्री जगन्नाथ रहते हैं ना वहाँ पे श्री क्षेत्र, उनका झंडा कभी निकला नहीं, और ये फनी फनी साइक्लोन ने वो झंडा निकाल दिया। और कहाँ पे डाला है वो किसी को पता नहीं। ये मेरा गांव उनको जाने का रास्ता है। मीन्स मैं अभी सिटी के ऊपर हूँ, गांव का सिटी के ऊपर हूँ, मैं गांव के अंदर घुसी नहीं अभी तक। सो मैं अभी गांव के अंदर आने वाली हूँ। अभी भी मुझे 1.5 किलोमीटर बाकी है घर के अंदर या गांव के अंदर आने के लिए। और ये मैं फिर से शूट करना स्टार्ट कर लिया कि गांव के नज़दीक ही जो जो हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, सारा पोल जो है वो ज़मीन में गिरा है, कोई भी एक नहीं है जो खड़ा हुआ हो। इसी वजह से यहाँ पे लाइट नहीं आ पा रहे हैं। ये सारा काम होने के बाद ही लाइट आएगा, तो लाइट आना तो अभी तक पॉसिबल नहीं है। 1 मंथ हो गया है, लाइट का कोई अता पता ही नहीं है। और ज़्यादातर मुझे मेरा गांव और घर को देख के बुरा लगा यार, मुझे रोना आया कि ये क्या हो गया है और ये सब कुछ कब ठीक होएगा। और क्योंकि हम वहाँ पे नहीं रहते हैं, हम नहीं रहते हैं, तो ये लोग कैसे सफ़र करेंगे या कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, वो सोच सोच के परेशान। मैं इतना अगर परेशान हो सकती हूँ तो करण का हालत आप सोच के बताइए क्या करेगी वो। और वो मट में कभी उनके पास डिस्कस भी नहीं करती इसके बारे में। मुझे पता है उनका हालत क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पहले ब्लॉग का छोटा सा क्लिप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैकग्राउंड जो मैं आपको एक ब्लॉग में दिखाया था, ये पूरा एरिया मेरा घर का पीछे का है। ये सारा पेड़ अभी टूट गया है। कितना टूटा है क्या है मुझे नहीं पता, बट जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता अभी ब्लॉक हो गया है। मैं अंदर घुस नहीं पाई, जितना हुआ मैं आप लोगों के लिए शूट किया है। यहाँ पे 18 से 20 तक पेड़ है हमारा, नारियल और अदर्स जो भी पेड़ हैं, 20 पेड़ हैं। बट सब कुछ तेज तेज हो गया है, करण बोल रहे हैं। मैं तो जितना हो पाया मैंने किया है, क्योंकि मैं अंदर घुस ही नहीं पाई, ये रास्ता ब्लॉक है अभी। वो फ्लावर का पेड़, ये पेड़ ना फ्लावर का पेड़ था, वो टूट गया है। ये कुछ संतरे का, संतरा नहीं तो वो लीचू, लीचू नहीं, कुछ तो ये था, मुझे याद नहीं आ रहे फ्रूट्स का नाम, ये टूट गया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाया नहीं कभी, क्योंकि मुझे आई थिंक भूल गई थी क्या हुआ था। और यहाँ पे हमारा किचन रूम था, जो चूल्हा जलता है ना, ये रूम में चूल्हा जलता था। मिट्टी का चूल्हा रहता है, लकड़ी का वो चूल्हा था। ये घर एकदम से टूट गया है, ये घर नहीं है अभी, दो एकदम से नीचे हो गया है। और ये जो हमारा बेटी वहाँ से निकल के आई, ये घर का छत टूट उड़ गया है तूफान में। कुछ ऐसा हुआ है हमारा घर का हालत, और वही सब मैं आपको दिखा रही थी। और घर का चारों ओर जो भी पेड़ था, नारियल का पेड़ या अदर पेड्स, वो सब आधा आधा टूटा हुआ है। हमारा घर के ऊपर, छत के ऊपर 2 नारियल पेड़ गिर गया, छत थोड़ा सा फटा हुआ है, एक साइड में टूट गया है, और कुछ नुकसान नहीं हुआ है। ये केवल है, केवल का तार भी टूटा हुआ है जो नीचे गिरा है, और करण इसको ठीक करेंगे। बट हम ये जब हम आए घर से तो शाम हो गया था, मैं उसके बाद शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम अभी जा रहे हैं सब मिलके कटक, मेरे सिस्टर इन लॉ के घर। और ये देखे फ्रेंड्स, आगे का घर का छत ही नहीं है, वो उड़ गया। और आगे में बहुत सारे कोकोनट का पेड़ था, जो आधा आधा टूट गया है। ये सब होया है, तो मैं थोड़ा बहुत शूट किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग देख लो कि कैसा हालत हो गया है घर का। और ये घर को हम छोड़ के आए हैं, तो भाभी मम्मी बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे वो पता नहीं, बट हमेशा फ़ोन में बात भी होता रहता है।
जैसे मैं आपको बताया कि मैं सिस्टर इन लॉ के घर आई हूँ आ रही हूँ, तो अभी मैं आ गई हूँ। अभी मैं आई नहीं, बहुत टाइम पहले ही आ गई थी और अभी मैं जा रही हूँ वापस घर। शाम हो गया है और यहाँ पे है ये मेरे सिस्टर इन लॉ है, वो कुछ ढूंढ रही थी आई थिंक। और यहाँ पे कोई कंफर्टेबल नहीं थे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया, और जाने के टाइम ही सोचा कि नहीं, एक तो पिक बनता है और सबको आपको दिखाना है, तो बस इनका घर में थोड़ा सा घूमी। ये बस इस तरह ही है, और ये है मेरे भतीजे और वो हाय फर्स्ट टाइम बोले ना जो लड़की, ये रही, ये है मेरी भतीजी और बहुत ही क्यूट है वो, क्यूट और मेरे फ्रेंड जैसे है, मुझे हमेशा वो बात करते हैं, अच्छे हैं और दोनों अच्छे हैं। और ये छोटी से जो लड़की है वो छोटी जेठानी का लड़की, रेड कलर में छोटी जेठानी है, ये बीच का है। और ये मेरा दीदी का चार जेठानियाँ हैं, वो चार ही हैं घर में, तो बस तीन घर में है और एक जो बड़ी है, पूरे बड़े वो बाहर रहते हैं, और ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत बड़ा फैमिली है इनका। अब हम निकल चुके हैं जाने के लिए, मम्मी भी आ जाएगी तो हम चले जाएंगे। सुबह बैठ गया है गाड़ी में और करण वेट कर रहे हैं अपने दीदी का, वो आ जाए एक बार देख लें तो हम बाय बोल के चले जाएंगे। दीदी के घर क्यों गई थी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये आप देख सकते हो कि मैं हूँ ट्रेन में, ये दो दिन बाद का है, हम आ रहे हैं या वापस आ रहे हैं हमारे एरिया आंध्रा, और ये मॉर्निंग का टाइम है, हम रात में निकल चुके थे और मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा छूट गया है कि जैसे आपको बता दूं कि हम अभी वापस जा रहे हैं या आ रहे हैं हमारा घर में जो है आंध्रा में। और ये कुछ शुकु ने शूट किया है, ये मैंने शूट नहीं किया है, वो भी कुछ बोल रहा है यहाँ पे, वो आपको सुनाई देगा कि नहीं मुझे नहीं पता। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, और जो मेरे चेहरे पे मत जाइए क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कुछ मेकअप नहीं, मैं जस्ट अभी नहा के बैठ के सबको इन्फॉर्म कर रही थी कि मैं पहुंच गई हूँ ठीक ठाक। अभी शाम हो गया है 6:30 और 4:30 या 45 को हम आ गए हैं हमारे गांव, सॉरी हमारे गांव नहीं, हम जहाँ पे रहते हैं हैदराबाद। और मुझे जोर से सर्दी और करण को सर्दी और बुखार दोनों हो गया है, करण आके चले गए हैं ड्यूटी से, वो खेल रहा है बाहर। दियाबाती करने के बाद मैं थोड़ा सा करूँगी कुकिंग, जैसे राइस और पटाटो बॉईल करके खा लूँगी क्योंकि मुझे वोमिटिंग भी ज़्यादा हो रहा है। और ये ब्लॉग देखेगा मेरा मम्मी या मेरे घर में कोई देखेगा तो वो गुस्सा करेंगे क्योंकि जब भी मैं वहाँ से आती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। बट नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट आँखों में नींद ज़्यादा है और मुझे बस रेस्ट करना है। और बहुत टाइम से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हूँ या कोई ब्लॉग नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही थी गांव में बट उसको पब्लिश नहीं कर पा रही थी, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है क्या नहीं। और कल इवनिंग 6:30 से हम घर से निकल गए यहाँ आने के लिए, मीन्स हैदराबाद के लिए। ट्रेन हमारा था 7:30 को, बट वो हो गया एकदम से 5 आवर्स लेट, ट्रेन आया 12:30 को आया, तो बैंड भी बज गया था हमारा, पता नहीं इतना लेट। और हम जैसे भुवनेश्वर में हमारा दादा ससुर रहते हैं, हम उनके पास चले गए थे, इतना लेट हो गया था ट्रेन, तो स्टेशन जाके क्या करें, तो वहाँ पे चले गए, वहाँ से खाना पीना करके 9 o'clock की वहाँ से निकल गए स्टेशन के ओर, और वहाँ से थोड़ा सा वेट किए। बस मैं रास्ते में आपके साथ थोड़ा सा ही शूट किया है कि हम आ रहे हैं, आपको जैसे पता चले कि हम आ रहे हैं, तो बस इतना ऐसा ही दिखाया। उसके बाद अभी आके घर में पहुँची हूँ, झाड़ू पोछा किया क्योंकि घर में इतना डस्ट था, पूछो ही मत। तो ये सब क्लीन करने के बाद मैं हेड वॉश भी किया है क्योंकि मुझे बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेज होता है, तो मैं नहा धो के हेड वॉश भी कर लिया। ये दोनों चले गए हैं बाहर
और गांव में मैं ब्लॉग नहीं बना, गांव से मैं ब्लॉग नहीं छोड़ा है और इतना गैप हो गया मेरा ब्लॉग में। इसका रीजन ही जैसे मैं आपको दिखाया है मेरा पिछले ब्लॉग में कि साइक्लोन आया था हमारे गांव में 2 मई को, 2 मई से 4 मई तक साइक्लोन हुआ था और जोरों से बारिश, और आपको जैसे मैंने दिखाया चारों ओर जैसे कटक, भुवनेश्वर, पुरी और मेरे गांव खोर्धा, ये चारों एरिया बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है इसी साइक्लोन से। ये साइक्लोन को फनी बोलते हैं। और ये साइक्लोन हमारा गांव जैसे खोर्धा होता है और पूरी, ये दोनों एरिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट दिया है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। गांव में तो अभी 1 मंथ के लिए तो लाइट ही नहीं आएगा। हम एक करण यहाँ से जाने के टाइम सोलर लाइट लेके गए थे, धूप से ही वो हो जाता है तो चल जाता है अभी के लिए। मैं अभी घर से ही बात कर रही थी क्या कर रहे, तो दीदी ने बोले कि हमने सोलर लाइट को कल हमने सेट कर दिया था तो वो 3 आवर्स ही रुका, ज्यादा नहीं रुक पाया। चलो हो तो जाता है। और बस इस तरह ही था, इसी वजह से मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। नेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे बीच बीच में आपको बोल रही थी नेट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, नेट नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं डाला है अभी तक। बट मैं अब से ब्लॉग डालूंगी, जो जो मैंने शूट किया है वो सब कुछ डालूंगी, आपको दिखाऊंगी क्या क्या हुआ है क्या नहीं। और इसके बाद मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, जब वो सारा ब्लॉग खत्म हो जाएगा तब मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। और मेरा बहन की शादी बहुत ही अच्छे से गया, वो खुद से मैं अभी उससे बात भी करूंगी, मैं आने के बाद उससे बात नहीं किया है तो मैं उससे बात करूंगी। और मेरा आईज आप देख सकते हो कितना ज्यादा थका हुआ है, मैं रास्ते पर सो के आई हूँ बट मेरा नींद ही नहीं जा रहा है। और चलिए ऐसा होता है, और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, जब मैं आती हूँ 2-3 दिन तो ऐसे ही पड़ी जाती हूँ, बीमार पड़ूंगी नहीं तो सो ही रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग को हम एंड करते हैं। आप लोग देखते रहे मेरा शादी का ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। और प्लीज फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। और इसी बीच मेरा सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है, वो मुझे ज्यादा हर्ट कर रहा है कि क्यों कम हो रहा है, व्यूज कम हो रहा है, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भी कंटिन्यू नहीं थी, इसी वजह से हो भी सकता है ये सब। और चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग को हम एंड करेंगे, मिलेंगे मेरा न्यू ब्लॉग के साथ, बाय।